हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं लुलू, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमेकर। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल रूम है। ये इलेक्ट्रिकल रूम में ये भाई लोग सभी डीवी का काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर मैं स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक समझाऊंगा। जो लोग इलेक्ट्रिशियन है, डीवी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो थोड़ा मैं बैक कैमरा कर लेता हूँ, आपको थोड़ा समझाने के लिए आसान होगा। भाई को पूछेंगे क्योंकि ये डीवी में सभी एक एक मास्टर है, तो इन लोग से हम पूछ के पूरा एकदम परफेक्ट जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। अगर आपका मन में कोई सवाल है, सुलझाव है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों स्टार्टिंग से देखेंगे तो ऊपर की तरफ से ये तीन लिंक हुआ है, जो कि डीवी का फ्रेम पे एक इनकमर है, दो आउटगोइंग है। मतलब यहाँ पर केबल में जो आ रहा है ये इनकमर है, ये डीबी सभी को केबल में पावर आने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ यूपीएस, कुछ ईएलडीबी, कुछ रॉ पावर, कुछ बीएबी है। ओके, तो यहाँ पर एक भाई देख सकते हैं, यहाँ पर ये ड्रेसिंग कर रहे हैं। ओके, ये ड्रेसिंग होता है, ये केबल मतलब वायर सभी जो बिखरा हुआ होता है, ये सभी ये कंघी कर रहे हैं। मतलब पूरा अच्छे से लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से कि क्या होगा, एक लुक अच्छा होगा और क्लाइंट को पसंद आएगा। ओके, ऊपर में आएंगे तो ये एक फ्रेम का डिजाइन है। फ्रेम के डिजाइन के हिसाब से ये ऑफिस से हमारा बना हुआ होता है। मतलब ये फ्रेम बन के आता है मेजरमेंट के हिसाब से, ये डीवी का मेजरमेंट और ये जो इलेक्ट्रिकल रूम का मेजरमेंट के हिसाब से ये डीवी का फ्रेम बनाया जाता है। ओके, तो ऊपर की तरफ से आएंगे तो ये एक अर्थिंग बॉक्स है। ओके, ये होता है डेडिकेट, ये होता है बॉडी अर्थिंग। और उसके नीचे आएंगे तो डीवी का फ्रेम कुछ इस प्रकार से खाली आता है। ये केबल थोड़ा सामने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डीवी का फ्रेम देख सकते हैं, ये डीवी का फ्रेम है। इस प्रकार से ये जो लिंक करने के लिए आता है, ये साइड में आता है। कोई कोई जगह में भी हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिंक है जो कि शायद अर्थिंग है, यहाँ पर भी न्यूट्रल है। ओके, कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर एमसीबी लगाने के लिए ये सभी दिया हुआ होता है। ये छोटा डीवी बोल के कुछ इस प्रकार से आता है। और ये हो गया इमरजेंसी डीवी जो दिखा दिया आपको। और यहाँ ये भाई कर रहे हैं सभी न्यूट्रल का, देखिए यहाँ पर लिंक करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि ये रॉ पावर है। ओके, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, एक फेरन नंबर फेरन में चेक कर सकते हैं, रॉ पावर डीबी वन वाई वन इस प्रकार से लिखा होता है। ये न्यूट्रल है जो कि रेड के लिए, ये अर्थिंग है रेड के लिए, ये डेडिकेट होता है। ठीक है, ये डेडिकेट अर्थिंग जो बोल रहा था यहाँ पर है, ये बॉडी अर्थिंग जो यहाँ बॉडी अर्थिंग दे दिया गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से येलो का भी इधर अर्थिंग है। ओके, येलो के लिए अर्थिंग इधर है, येलो के लिए न्यूट्रल इधर है। अगर इसमें से न्यूट्रल ऊपर में हो गया, ऊपर से नीचे हो गया, पूरा गड़बड़ा जाएगा और आपका डीवी ज़्यादातर ट्रिप करेगा। और मतलब उधर लाइट होने दो, कुछ भी नहीं जलने वाला है। ओके, फॉल्ट आएगा, बहुत परेशान होगा, इलेक्ट्रिशियन भी बहुत परेशान होगा। उसके नीचे आएंगे तो ब्लू का भी कुछ उसी प्रकार से है। और यहाँ पर एक फोर पोलो एमसीबी लगा है, इसमें इनकमर आने वाला है। ठीक है, इनकमर आने के बाद ये आउटगोइंग जो है सभी इसी में एक एक जाएगा। ये देख सकते हैं, भाई ने रेड का वायर लगा दिया, इसको अभी मेजरमेंट करेंगे। देख सकते हैं, ये मेजरमेंट कर लिए, मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर लिंक कर दिया जाएगा। लेकिन न्यूट्रल क्या होगा, ज़्यादा है ये न्यूट्रल, ज़्यादा है तो ये तो एक ही एमसी में सिंगल जगह में नहीं लगा सकते, इसके लिए एक बस बार छोटा सा लगाना पड़ेगा। ओके, ये क्या होगा, ये बस बार मतलब बस बार में जाके लगने वाला है, ये शायद इसी में लगने वाला है। ठीक है, ये सभी लगा दिया गया है, देख सकते हैं, हाँ इसी में लेके लगाने वाले हैं। तो ये जो आउटपुट निकलता है फोर पोल एमसीबी से,
यहाँ पर लगाया जाएगा, और जो इसका इधर से आउटगोइंग जाएगा ये सभी तीनों ये इसमें लिंक कर दिया जाएगा। ये हो गया रॉ पावर का। ये सभी देख सकते हैं सिंगल सिंगल कलर दिखाई दे रहा है, जो कि सिंगल पोलो एमसीबी है। और ये क्या है अब्दुल, अब्दुल बोलेगा अभी नहीं, ये वाला चीज को क्या बोला जाता है? हाँ, यहाँ पर ये सभी आरसीबी बोला जाता है। ठीक है, मैं सोच रहा था तो ईएलसीबी बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। भीए भी गया, रॉ पावर गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है यूपीएसडीबी। ठीक है, यूपीएस में ज़्यादातर सेम है, जो न्यूट्रल है ओ सॉरी न्यूट्रल क्या होता है कि ये एमसीबी दे के निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन हर एमसीबी में एक एक न्यूट्रल होता है, जो कि डबल पोलो एमसीबी है। यहाँ पर डबल पोलो एमसीबी यूज किया गया, देख सकते हैं ये U1, ये टेबल से मालूम चलेगा आपको U1B1। ठीक है, एक होता है इसका जो फेज है, एक न्यूट्रल है, ऐसा यूपीएस में यूज होता है, लेकिन अर्थिंग को ऐसी बस पर लगा के लगा दिया जाता है। ठीक है, और वो यहाँ पर कुछ दूसरा टाइप का मशीन बैठा है, वो भाई को पूछेंगे क्या है। अब तो ये क्या चीज है, कौन सा ये वाला? हाँ, एसपीडी है इसका नाम, एसपीडी बोलते हैं। इसका काम क्या है? पावर कंट्रोल करेगा, वो पावर को कंट्रोल करेगा बोलते हैं। कुछ इसी प्रकार से इसका होगा, जो कि इनकमर से डायरेक्ट इधर लिंक किया जाएगा। ठीक है, ये देख सकते एमसीबी इधर इनकमर होगा। ओके, ये इनकमर को इसके साथ लेबल करने के लिए मतलब लूपिंग कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी ओयर आया हुआ है, ये यहाँ पर जब इनकमर लगेगा उसी के साथ लिंक कर दिया जाएगा, कुछ उसी प्रकार से होगा। ये एक यूपीएसडी भी है, ये एक है, ये एक है। और यहाँ पर जो ऊपर देख रहे कुछ केबल आया हुआ है, नीचे से भी कुछ केबल आया हुआ है। ओके, नीचे का मतलब क्या है, ये जो सभी वर्क स्टेशन है उधर टेबल में एक एक होल होता है टेबल के नीचे, जो कि थ्रू होल डायरेक्ट बिल्डिंग के नीचे तरफ, मतलब ये एक फोर्थ फ्लोर का है, तो ये थर्ड फ्लोर से आके ऊपर फोर्थ फ्लोर पर आने वाला है, तो नीचे गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग एक ही कंपनी का है, एक ही कंपनी का पूरा फ्लोर, सभी फ्लोर एक ही कंपनी का है बोल के उसी प्रकार से करते हैं। लेकिन हम एक एक फ्लोर में क्या करते थे, नीचे से कटिंग करके रेशियो डाल के उधर से टेबल के जगह में निकालते थे, कुछ उसी प्रकार से करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो गया, जो कि नीचे लेने के बाद ये देख सकते हैं, मैंने ये कटआउट से दिखा देगा, ये पूरा नीचे गया है, जो कि रेशियो ओ रेशियो रेशियो से नीचे जाके वो नीचे घूम के आ रहे हैं, उसी प्रकार से डीबी का काम चल रहा है। और इसका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम पर्टिकुलर एक एक डीबी को लेके एक एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लेना, अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हम वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे और एक ऐसे नए टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।